पेश है स्टोरी वीवर का फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम। फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम से बच्चों को धारा प्रवाह पढ़ने और समझ बूझ बनाने में मदद मिलती है। बच्चों के लिए स्तरीय पुस्तकें, कक्षा 1 से 3 के लिए 6 स्तरों में पुस्तकें। प्रोग्राम बच्चों का पठन कौशल बढ़ाने के लिए 4 पठन रणनीतियों का उपयोग करता है। इस वीडियो में हम साझा पठन के बारे में बात करेंगे। साझा पठन एक पठन रणनीति है जो इंटरैक्टिव है। बच्चे आपके मार्गदर्शन में साथ मिलकर पुस्तक पढ़ते हैं। साझा पठन बच्चों को तब भी पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है जबकि वे स्वयं पढ़ना सीख ही रहे हों। साझा पठन बच्चों को भावों के साथ धारा प्रवाह पढ़ने में मदद करता है। साझा पठन लिखित शब्दों का मौखिक शब्दों से मेल कराता है, पाठ की मूल धारणाओं को समझाता है, जैसे कि पन्नों को कैसे पलटना है, पुस्तक किस दिशा में चलेगी और विराम चिन्हों के प्रयोग। फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम में साझा पठन के लिए अनेक पुस्तकें सुझाई गई हैं, जिनमें दोहराव और लय वाले वाक्य हों, चित्रों का पाठ से सटीक मिलान हो, पाठ छोटा और रोचक हो, जिनमें जाने पहचाने शब्द और अवधारणाएं हों। जितना बड़ा आकार उतना ही बेहतर है। पुस्तकों को प्रोजेक्ट करें, बड़े आकार में प्रिंट आउट लें, चार्ट पेपर पर पाठ को बड़े आकार में लिखें। साझा पठन करवाना आसान है। याद रहे कि आप और बच्चे दोनों ही कहानी का पाठ स्पष्ट रूप से देख सकें। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम रोहिणी विज है और मैं एक कथाकार हूँ। आज मैं आपके साथ एक प्यारी सी किताब पढ़ूंगी। ये है वो प्यारी सी किताब जिसे हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है और चीकू भी। क्या आप सब मेरे साथ कहानी का नाम दोहराएंगे? और चीकू भी। लेखक अनुपा लाल, चित्रांकन ईशा मंगलमूर्ति, अनुवाद विभा लोहानी और इसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। ये देखो बच्चों, कवर पेज पर ये जो चित्र बना है उससे हमें कहानी के बारे में कुछ संकेत मिलता है। तो क्या लगता है आपको, ये कौन है? क्या ये बच्चा चीकू है? ये तो हमें किताब पढ़कर ही पता चलेगा। ये लड़का भला मुर्गा क्यों बना हुआ है? देखो इसकी जीभ कैसे बाहर निकली हुई है और वह अपने आप को शीशे में देख रहा है। भला क्यों? चलो कहानी पढ़ते हैं और जरा पता लगाते हैं कि ये कौन है। जैसे जैसे मैं किताब पढ़ूंगी वैसे वैसे आप सब भी मेरे साथ पढ़ेंगे। सूरज उगता है और चीकू भी। सुबह का समय है, चीकू और सूरज दोनों ही जाग गए हैं। बिल्ली के बच्चों ने खाना खाया और झट से चीकू ने भी। अच्छा चलो चित्र को देखते हैं। ये चीकू के साथ कौन है? मुझे तो ये उसके माता पिता लगते हैं। चीकू क्यों मुस्कुरा रहा है? शायद उसने एक अच्छा सपना देखा होगा। किताब तो समाप्त हो गई। मुझे आशा है कि आप सबको ये किताब बहुत पसंद आई होगी।
यदि आप सबको इस किताब को और लंबा करना हो, इस कहानी को और बढ़ाना हो, तो इसमें क्या जोड़ोगे? अब आप सब इस किताब को स्वयं पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, मैं चलती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। साझा पठन में एक ही पाठ को 3 से 5 बार दोहराएं, लेकिन हर बार एक अलग बिंदु पर ध्यान दें। जो बच्चे पहले पठन में साथ नहीं पढ़ते, पाठ दोहराने पर उनके शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है। आप प्रत्येक स्तर के बाद पठन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दें। समझ, नई शब्दावली, विराम चिन्ह, साइट वर्ड्स, चित्रों इत्यादि पर। साझा पठन उन 4 पठन रणनीतियों में से एक है जिनका फाउंडेशनल लिटरेसी प्रोग्राम के तहत उपयोग किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए स्टोरी वीवर पर जाएं।